उनकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। जैसे ही हमने होश संभाले वो फिर मुस्कुरा दिए। फ्रेंड्स, हर इंसान में किसी ना किसी तरह की ब्यूटी होती है। मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, नए नक्श चेहरे की रंग रूप की बात कर रही हूँ। आपका दिल, आपका दिमाग, ये सब कैसा है, हाँ इसका असर जरूर पड़ता है आपकी फिजिकल ब्यूटी पे। इंसान जैसा अंदर से होता है वही उसके चेहरे पे दिखता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आपके अंदर कौन सी चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, आज की रीडिंग में हम इस बात को गौर करेंगे, देखेंगे कि आपके अंदर लोगों को क्या चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपके नयन नक्श में, कद काठी में, रंग रूप में क्या बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। योर फिजिकल अपीयरेंस, हाउ डज इट अफेक्ट पीपल। We are not talking about inner beauty. Of course, inner beauty does affect your outer beauty, but still we are exploring what people think about you when they see. आपको देखते ही किसी के मन में क्या ख्याल आता है आपकी खूबसूरती को देखकर? हो सकता है किसी की नजर में ऐश्वर्या राय बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो किसी की नजर में वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। वैसे ही हो सकता है कई लोगों की नजर में आप खूबसूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नजर में आपकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं। तो इन लोगों को आपके अंदर ऐसा क्या अच्छा लगता है, देखते हैं आज की रीडिंग में। के वन टू थ्री फोर फाइव, ज्यादातर लोगों को आपकी जो मैं कहूंगी ये नेक है ना, ये जो पोर्शन होता है बॉडी का, ये बहुत पसंद है। क्यों? ये उनकी नजर से ही आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि उनको आप में क्या अच्छा लगता है। तो काफी लोगों को आपका जो थ्रोट के नीचे का और चेस्ट के ऊपर का हिस्सा है ना, आपकी जो नेक होती है, ये देखिए ये नेक है, अपर चेस्ट एरिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आप इन तीनों कार्ड्स में देखेंगे अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, यहां भी आप देखिए आपका ये एरिया लोगों को, पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत अट्रैक्ट करता है। हो सकता है यहाँ की जो मेजरमेंट्स आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स से बहुत परफेक्ट होंगी, आपने शायद इस बात पे कभी गौर नहीं किया, लेकिन लोगों को ये जो फिजिकल मेजरमेंट्स जब सही होती है ना अपने स्ट्रक्चर की बॉडी के, तो अच्छा लग ही जाता है। हो सकता है वहां आपको कोई तिल हो सकता है आपने वहां टैटू किया है, कुछ तो है। और जो आपका ओवरऑल स्किन टोन जो वहां पर है, जो चमक है, वो लोगों को बहुत पसंद है। आपके बाल लोगों को बहुत पसंद है, फिर चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, रीडिंग दोनों के लिए। ऐसा नहीं आप फीमेल है तभी आप देख सकते हैं या आप मेल है तभी देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के होंगे ये रीडिंग आपके लिए है। पीपल अप्रिशिएट द थ्रोट एंड द अपर नेक एरिया एंड लोअर नेक एरिया ऑफ योर बॉडी, बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को आपका ये हिस्सा। आपके बाल लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है जो आपके बालों का टेक्सचर है मुलायम हो या हो सकता है घुंघराले हो, इसलिए कई लोगों को अच्छा लग जाता है, लेकिन बहुत पसंद है आपके बालों का टेक्सचर, आपके बाल बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं। हो सकता है कई लोगों को ना भी अच्छे लगते हो, लेकिन इस वक्त हम गौर कर रहे हैं उन लोगों पे जिनको आपके ये पार्ट्स ऑफ बॉडी बहुत पसंद है। इसके अलावा आपका जो फेस है, साइड फेस बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। वन टू थ्री फोर फाइव, साइड फेस सिक्स, जो आपका साइड फेस है, हो सकता है आपको नहीं समझ आता हो, लेकिन आपके साइड फेस का जो स्ट्रक्चर है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। इट्स ब्यूटिफुल टू लुक एट। अगेन मैं कहूंगी कई लोगों को ना भी अच्छा लगता हो, लेकिन हम उन लोगों पर अभी फोकस कर रहे हैं जिनको आपकी ये सब चीजें बहुत पसंद है।
इसमें क्या होता है, कई बार जो मेजरमेंट्स होते हैं ना आपके फेस एरिया के, वो बहुत सही होते हैं। कई बार फ्रंट से इतना अच्छा नहीं लगता चेहरा, पर साइड से अच्छा लगता है। कई बार फ्रंट से बहुत अच्छा लगता है पर साइड से अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लोगों को आपका फ्रंट तो खैर अच्छा लगता ही होगा, लेकिन योर साइड फेस लोगों को बहुत पसंद आता है। मेरे कई व्यूअर्स के जो लिम्स हैं, हाथ या टांगे हैं, मुझे लगता है काफी लंबी लंबी हैं। ये भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, लॉन्ग लिम्स। हो सकता है आपकी हाइट इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन जो आपके लिम्स का मेजरमेंट है, आपके हाथ और जो टांगों का मेजरमेंट है, वो आपके जो टॉर्सो है, धड़ एरिया जो आपका होता है, उसके मुकाबले में काफी लॉन्ग है। इसलिए लोगों को ये बहुत पसंद आता है। कई लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी किए होंगे इस बात को लेकर, जो उसका शेप है, जो उसकी लेंथ है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। मेरे कई व्यूअर्स में से मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे हैं जो काफी हेल्दी हैं, मतलब भरपूर रुष्ट पुष्ट शरीर है आपका। और कई लोगों को जो खास तौर पे पतले हैं बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, काश मेरा भी वेट या मेरी भी लुक्स या मेरी भी बॉडी तुम्हारे जैसी होती, तो आपकी जो हेल्थ फील्ड एक फिजिकल अपीयरेंस है जो हेल्दी दिखता है, कई लोगों को बहुत पसंद है। वो भी खास तौर पे उन लोगों को जो बहुत ही सुकडल्ले हैं, बहुत ही पतले पतले हैं, डेफिनेटली आपको ये बात कहते होंगे, वो बहुत मिस करते हैं कि काश उनका भी स्ट्रक्चर आपके जैसा होता। ये चीजें बहुत अपील करती है आपके आसपास के लोगों को। आपका जो नेवल एरिया है, नाभि जिसे बोलते हैं, ये भी काफी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप फीमेल है तो जब आप साड़ी पहनते होंगे लोगों के ध्यान में आता होगा, या क्रॉप टॉप पहनते होंगे तो लोगों के ध्यान में आता होगा, पर आपका नेवल एरिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है, फिर चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। ऑफ कोर्स आप पूछेंगे अगर हम मेल हैं तो कैसे लोगों को पता चलता है, तो जिन्होंने आपका ये नेवल एरिया देखा है, क्योंकि आपका हो सकता है शोल्डर्स ब्रॉड हैं और आपका जो वेस्ट एरिया है वो स्मॉल है, उसकी वजह से आपका एज अ मेल ये एरिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जो आपको देखते हैं वो आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करते होंगे इस बात को लेकर। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी एक फिजिकल अपीयरेंस का ही हिस्सा है, लोगों को बहुत पसंद आता है। जो भी पहनते हैं आप पे बहुत ही फकता है, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत देर तक निहारना पसंद करते हैं। दे लाइक टू लुक एट यू, दे लाइक टू स्टेयर एट यू, और उसकी वजह से आप कई बार अनकंफर्टेबल भी फील करते होंगे, लेकिन फिर आपका दिल ही दिल में नाचने का भी मन करता है ये सोच के दैट यू आर सो अट्रैक्टिव फिजिकली। खूबसूरत लगता है लोगों को आपका ड्रेसिंग सेंस। आप जिस तरह, मैं ये नहीं कहती आप ब्रांडेड कपड़े ही पहनते होंगे या नहीं पहनते होंगे, लेकिन आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरह से आप ड्रेसिंग करते हैं, जहां भी जाते हैं, आपका एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है लोगों के माइंड पर। लोग चाहते हैं कि वो आपके जैसे बने। आपने नोटिस किया होगा आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपके आसपास के लोग भी उसी तरह का ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप जिस तरह का कलर्स पहनते हैं उस तरह के कलर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजों में आप जिस तरह से, अगर आप फीमेल है, जिस तरह से आप अपने हेयर स्टाइल रखते हैं, आप जिस तरह का मेकअप लगाते होंगे, लोग आपको उस तरह से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे आप मेल है या फीमेल है। आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं कि ऐसा करने से वो भी आपके जैसे लग सकते हैं। कई बार तो आप कयामत ही ढा देते हैं। आप देख सकते हैं टावर कार्ड आपके लुक से कई बार कई लोग जैसे दिल थाम लेते हैं, मतलब ओ माय गॉड ये क्या देख रहे हैं हम, इतना ब्यूटीफुल पर्सन है ये। फिर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जो आप में बहुत अट्रैक्टिव होंगी, लेकिन लोगों की नजर में जो आपकी चीजें बस जाती हैं, एक कमाल का जो उनको लगता है आपका, जैसे कि मैंने बताया थ्रोट एंड अपर नेक एरिया, लोअर नेक एरिया, आपका नेवल एरिया, आपके हाथ पांव की जो लेंथ है वो लोगों को पसंद है, कहीं आपके तिल विल होगा वो बहुत पसंद आता है लोगों को, टैटू हो सकता है, ये सब चीजें, आपके बाल उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आपका साइड फेस उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और आपका जो हेल्थ है, आपकी जो हेल्थ है ना, वो जरूरत से ज्यादा है ना जरूरत से कम है, जिसकी वजह से जो यहाँ बहुत मोटे होते हैं या बहुत पतले होते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके जैसे
लुक्स के लिए क्रेव करते हैं। आपको ये बात का कॉम्प्लीमेंट भी कई बार आपको मिला होगा। रीडिंग देखने के बाद आपको कमेंट्स में डेफिनेटली मेंशन करना है इसमें से कौन सी चीज, या तो सभी मैच हुई होंगी या कोई भी चीज जो मैच हुई है या जो मैंने शायद नहीं बताई है, अगर ऐसी भी कोई बात है तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट्स में। और आपको एफर्मेशन में क्या लिखना है, आई थैंक गॉड फॉर मेकिंग मी सो ब्यूटिफुल, आई थैंक गॉड फॉर मेकिंग मी सो गुड लुकिंग, मैं शुक्रिया अदा करता हूं या करती हूं ऊपर वाले का, उसने मुझे इतना इतनी खूबसूरती दी है। आपको ये जरूर लिखना है कमेंट्स में। कुछ नहीं लिखना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या एक सिंपल सा यस। और आप देखना इतनी कमेंट्स के बाद जो आपके अंदर एक जो ऑरा है ना वो और भी बढ़ती है, आपकी ब्यूटी की ऑरा और भी ज्यादा निखर के आती है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग में मैंने आपको काफी कुछ आइडिया दिया है आपकी कौन कौन सी चीजें लोगों को पसंद है और ये आपको कई बार नाचने पे मजबूर करती है। नाचने से मतलब ये नहीं कि आप लिटरली डांस करते हैं, बट यस यू फील थैंकफुल टू गॉड कि उसने आपको इतनी चीजें इतनी नेमतें दी है कि लोग उसको निहारते थकते नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग हुई कंप्लीट, अपनी नजर जरूर उतार लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।